अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस चीज़ का रिव्यू है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लुब्रिकेंट के बारे में, और अभी जो मैं लेकर आया हूँ वो है कार्बोरेटर क्लीनर। कार्बोरेटर क्लीनर क्या होता है? जो आपके कार्बोरेटर लगा हुआ होता है, बटरफ्लाई कार्बोरेटर, आप फ़र्ज़ कर लें वो लगा हुआ आपके पास, जैसे YBR पे लगा हुआ बटरफ्लाई कार्बोरेटर, तो उसमें आप लगे लगे उसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कर सकते हैं। तो उसमें बटरफ्लाई में होता ही है, ज़्यादा खर्चा आपका देता नहीं है, वो ऐसी लगे लगे साफ़ हो जाता है। तो उसको मैं साफ़ करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा, कैसे वो साफ़ होगा पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं बाइक पे नहीं करूंगा, क्योंकि बाइक पे सीन ये है, क्योंकि आप बाइक की थ्रोटल बॉडी नज़र नहीं आएगी। मैं आपको जनरेटर की थ्रोटल बॉडी भी दिखाऊंगा और आपको उस पर अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कैसे करना है। और चलते हैं अभी इसकी तरफ, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके का दिखता है। मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो पूरी डिटेल बताई है मैंने उस पर, तो नोज़ल वगैरह इसके साथ आती है। गलती से भी इसको हाथ पे नहीं मारेगा, ये बहुत ठंडा होता है, आपका हाथ जलने लग जाएगा, केमिकली इसका कुछ ऐसा है। तो ये कार्बोरेटर क्लीनर ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये इसकी पैकिंग है। ये भी ग्लैडिएटर का है, और भी कंपनी इसके मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मुनासिब कीमत में मिल रहा था मुझे, और मैंने ये दो मंगवाए थे, वो भी दो मंगवाए थे लुब्रिकेंट, तो इसलिए इस पर सारी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। क्विक स्प्रे एक्शन, रिमूव गम एंड वर्निश इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों तरफ से ये क्लीन कर देता है कार्बन को, और कार्बन किसी भी टाइप का कार्बन हो, ये सब इस पर लिखा हुआ होगा, जिस जगह पर नहीं मारना वो भी इस पर लिखा हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है थ्रोटल बॉडी या कार्बन हो, और भी जगह पर जहाँ पर कार्बन होता है, ये कार्बोरेटर एंड चौक क्लीनर है। जहाँ भी चौक हो, कार्बो काला कार्बन हो, वो आप इससे साफ़ कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये आपके पास होना चाहिए घर में, अगर आपके पास व्हीकल या बाइक है तो उसमें आपको आसानी होती है साफ़ करने में। तो अभी मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ये वही नोज़ल है, इसके यहाँ पर लग जाएगी और फिर उससे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बाइक पे करता और गाड़ी का मैं अभी खोल नहीं सकता था, क्योंकि वो न्यू गाड़ी है और उसमें साफ़ सुथरा है पड़ा हुआ, तो इसका भी सीन यही है तकरीबन। ये साफ़ मैंने करा था, और आप इसकी भी हालत देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल साफ़ करके इसी से ही साफ़ किया था। तो जनरेटर चौक हो गया था, यहाँ पर कार्बन बहुत जम गया था, मैंने इससे साफ़ वाफ़ किया, क्लीन किया इसको, तो ये बिल्कुल ऐसा चमक गया जैसे न्यू व्यू हो गया हो ना फुल। तो ये सब भी मैंने साफ़ किया था, इसके एयर फिल्टर पेट्रोल से धो दिए थे, और ये भी इसका मैंने साफ़ किया था, तो अब जाके ये चमका है। तो सीन ये है कि मैंने पहले ट्राई कर लिया है, ये नहीं कि मैं पहले अभी ख़रीद रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया, मैंने 70 पे भी मारा था अपनी, तो इतना लग रहा है मुझे, इतना है। तो इसका मारने का पर्पस बस ये है, आपने स्टार्ट करना है अपनी बाइक या व्हीकल या जनरेटर भी अगर आप कर रहे हैं तो उस पर स्टार्ट करके, ये इसकी थ्रोटल बॉडी ये खुलती बंद होती है जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं ना अपनी बाइक। इसके अंदर भी एक और है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक बटरफ्लाई है, वो भी ऑन ऑफ ऐसे करके होती है थ्रोटल। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो इसको रेस दे के रखनी है, यूं यूं यूं, और ये मारते रहना है। जैसे आप एक एक स्प्रे मारेंगे ऐसे, फिर एक स्प्रे मारेंगे ऐसे, फिर एक स्प्रे मारेंगे ऐसे स्टार्ट, ये अपना RPM डाउन करेगी लेकिन चलती रहेगी। अभी मैंने मारा था, ये सूखता बहुत जल्दी है, अगर जैसे अभी मैं मारूं, इसका प्रेशर आप देखेगा बस, ये इसका प्रेशर है, तो इसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है, और जैसे आप मारते हैं तो ये जैसे चलते हुए मारना, तो आप चलते हुए मारें इसको, ये खुल के अपना एयर लेगी, बंद होने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने इसको खोलना है इसकी मदद से अंदर के, इसको ऐसे करेंगे आप रेस देंगे अगर बाइक में भी, तो रेस ऐसे आएगी, जैसे ही आप रेस देंगे तो ये खुलेगा और इसके जितने भी कार्बन डिपॉजिट होंगे वो धुएं के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे, और आपके जो कार्बन वार्बन ये सब ये क्लीन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने बिल्कुल मारा है, और ये सूखने लग गया बहुत जल्द, और ये इतना ठंडा होता है, इसको गलती से भी अपने हाथ पर नहीं लगने देगा, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला बहुत वो होता है, रिएक्शन करने वाला होता है, तो ये बिल्कुल क्लीन कर देगा। आप जैसे देख रहे हैं रेनबो टाइप हो गया, बिल्कुल ऐसा चमक गया, तो अंदर भी अगर आप मारेंगे तो अंदर भी चमक जाएगा। अंदर एक और है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये है अंदर की एक, इस पर भी कार्बन जमेगा, तो इस पर भी आपने मार देना, ये भी चमक जाएगी। तो ये है इसका सिंपल मेथड, और आपके सामने ये देखें कैसे चमक गई है, बिल्कुल फुल रेनबो हो गई है।
तो ये कुछ हालात चल रहे हैं भाई। और मैं वीडियो बना रहा था, बारिश शुरू हो गई, तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इतना हद तक हो गया था कि कंप्लीट हो गया था काम, केजनेटर चला दिया और कार्बोरेटर क्लीन हो गया। और कार्बोरेटर क्लीन करना बहुत सिंपल है, अगर आप इसको बगैर स्टार्ट करें नहीं करना चाह रहे तो उसको एक जैसे मैंने स्प्रे किया और कपड़े की मदद से उसको बाहर ही साफ़ कर ले। गाड़ियों में ये होता है कि गाड़ियों में सामने होता है तो वो कपड़े की मदद से साफ़ हो जाता है, बाइक का ये बाइक का साफ़ नहीं हो सकता क्योंकि वो थोड़ा वैसे होता है, रबड़ का पाइप होता है YBR में। तभी मैंने आपको दिखाया भी नहीं, मैंने ऐसी चीज़ ली ताकि उसमें आपको दिख सके। तो जितना हो सके आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, स्प्रे करके स्टार्ट करें और रेज RPM 5,000 पर ले जाएं, और जितना हो सके हाई पर ले जाएं 5,000 तक, और उसको फिर स्प्रे करें। फिर RPM डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर आप RPM लेके जाएं, फिर स्प्रे करें, फिर डाउन होगा, फिर ऐसे करके 4-5 दफ़ा आपने स्प्रे कर दिया, 5-6 दफ़ा देख लिया कि कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो गया, उससे भी क्लीन हो जाएगा। और अगर जैसे लगे लगे आप मैंने स्प्रे मारा उस पर आप कपड़े साफ़ कर लें, वैसे भी क्लीन हो जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है। वैसे जो आप गाड़ी स्टार्ट करके स्प्रे मारेंगे वो आपका धुएं के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट के ज़रिए। वैसे जो आप हाथ से साफ़ करेंगे वो कपड़े के ज़रिए आप वैसे ही कपड़े से साफ़ कर लेंगे। तो सिंपल मेथड है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके बाद वापसी पैक करके जैसे मैंने पैक किया, और कार्बोरेटर की पैकिंग का ख्याल कर लेगा कि पैकिंग नई डालें अगर वो ख़राब हो गई है, या अगर वो सही है तो वो वापसी लगा दें। और बस बारिश ने एंड में थोड़ा काम ख़राब कर दिया, लेकिन ये था कि वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी। और लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देगा क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, और आगे भी क्या पता अच्छी अच्छी वीडियो आ जाए।